नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल LIC आवर सेफ्टी पे स्वागत करता हूँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ आपको मिलता है इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो भी बिल्कुल आसान शब्दों में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अभी इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि LIC ने अभी एक IPO के जस्ट बाद ही एक नया प्लान लॉन्च किया है, जिस प्लान का नाम है बीमा रत्न और इसका टेबल नंबर है 864। LIC ने ये जो नया प्लान है 27 मई 2022 को ही लॉन्च किया है। इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे इस प्लान के बारे में कि इस प्लान में क्या है खास। पहला, ये एक मनी बैक प्लान है विद गारंटेड बोनस एडिशन। ये कम्प्लीटली एक मनी बैक प्लान है। और दूसरा, ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेइंग प्लान है जिसमें आपको जो भी आप टर्म चुनेंगे उससे कम समय तक ये प्रीमियम जमा करना होगा। आइए देखते हैं, पॉलिसी कंडीशंस को समझते हैं क्या क्या पॉलिसी कंडीशन है। इस पॉलिसी में आप मिनिमम सम इश्योर जो रखा गया है वो 5 लाख का रखा गया है और मैक्सिमम सम इश्योर का कोई लिमिट नहीं है, वो आप अपने इनकम के हिसाब से ले सकते हैं। पॉलिसी के टर्म की बात करते हैं बीमा अवधि की। इसमें आप 15 साल, 20 साल और 25 साल की पॉलिसी ले सकते हैं। 15 साल की पॉलिसी के लिए आपको जो भुगतान करना पड़ेगा केवल 11 साल, 20 साल की पॉलिसी के लिए आपको 16 साल भुगतान करना पड़ेगा प्रीमियम का और 25 साल की पॉलिसी के लिए आपको 21 साल भुगतान करना पड़ेगा। मिनिमम एंट्री एज की बात करें, अगर कोई 15 साल की पॉलिसी लेना चाहता है तो उसके लिए कम से कम जो एंट्री एज है 5 साल से 55 साल रखी गई है। 20 साल की अगर कोई पॉलिसी लेता है तो उसे 90 दिन के बच्चे से लेकर 50 साल तक का व्यक्ति ले सकता है और 25 साल की पॉलिसी को 90 दिन से 45 साल का व्यक्ति ले सकता है। मनी बैक की बात करें, अगर कोई व्यक्ति 15 साल की पॉलिसी लेता है तो उसको 13वें और 14वें वर्ष सम इश्योर्ड का 25-25% मनी बैक के रूप में मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 20 साल की पॉलिसी लेता है तो उसे 18वें वर्ष और 19वें वर्ष सम इश्योर्ड का 25-25% मनी बैक दिया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति 25 साल की पॉलिसी लेता है तो उसे 23वें वर्ष और 24वें वर्ष सम इश्योर्ड का 25-25% पैसा मनी बैक के रूप में दिया जाएगा, यानी 25% उसे दो बार मिलेगा। ओके, आगे बात करते हैं। इसमें गारंटेड, जैसे मैंने कहा कि गारंटेड प्लान है ये, इसमें गारंटेड बोनस एडिशन होगा। तो अगर जो पहले साल से 5वें साल तक जो इसमें रखा गया गारंटेड बोनस वो 50 रुपये पर 1000 रखा गया है, 6ठे वर्ष से 10 वर्ष के लिए इसमें जो बोनस एडिशन होगा वो 55 रुपये पर 1000 के हिसाब से रखा गया है और 11वें वर्ष से 25 वर्ष में जो बोनस एडिशन का जो इसमें अमाउंट रखा गया है वो 60 रुपये पर 1000 रखा गया है, जो कि बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ इसको लॉन्च किया गया है, जो एक अच्छा बोनस है और गारंटेड है। तीसरा, मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस प्लान को लेता है तो उसको क्या क्या मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। इसमें 50% ऑफ सम इश्योर्ड, जो भी सम इश्योर्ड उसका 50%, और जितने भी साल का पॉलिसी था उसके जो भी बोनस उसमें ऐड हुआ वो उसको मिल जाएगा। डेथ बेनिफिट की बात करें तो 125% ऑफ द सम इश्योर्ड प्लस जितने भी साल पॉलिसी चली है उसका बोनस जोड़ करके नॉमिनी को या लीगल हेयर्स को दे दिया जाएगा इस प्लान के तहत। और ये सारा का सारा जो पैसा होगा बिल्कुल टैक्स फ्री मिलेगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अदर पॉलिसी बेनिफिट्स की बात करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। ऑल प्रीमियम पेइंग मोड्स अवेलेबल, यानी सारे के सारे प्रीमियम पेइंग मोड अवेलेबल है। लोन सरेंडर की सुविधा है, 2 साल की फुल पेमेंट के बाद आप लोन और सरेंडर पॉलिसी को कर सकते हैं। पॉलिसी को बैकडेट किया जा सकता है। ग्रेस पीरियड अवेलेबल है, आप सभी को पता है मंथली मोड पे 15 दिन और बाकी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड पे आपको 30 दिन का होता है। एडिशनल राइडर्स अवेलेबल है, जो आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेने के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट भी अवेलेबल है अंडर सेक्शन 80C और 1010D के तहत। आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे या जो भी आपको मैच्योरिटी मिलेगी वो सब टैक्स फ्री रहेगा। तो यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक